चैप्टर नंबर 6 फिशिंग इंडस्ट्री। बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। पाकिस्तान में कोस्ट लगती है और इसके अलावा पाकिस्तान में दरिया इंडस रिवर आ रहा है, जो भी उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, और इसके अलावा जो झीलें बच जाती हैं जहाँ पर पानी ठहर जाता है, इसके अलावा जो डैम्स हैं डैम्स के पीछे भी पानी ठहरता है, वो इंडस रिवर सिस्टम के अंदर ही वो डैम्स बने हुए, तो उन डैम्स के पीछे भी पानी ठहरता है। तो इन सारी जगहों पर और जो दरिया और समंदर का पानी यहाँ टकराता मिलता है डेल्टा, तो वो डेल्टा के अंदर भी क्रीक्स बन जाते हैं, मतलब ऐसे रास्ते बन जाते हैं जो जिसमें पानी होता है, जाहिर सी बात है वो जमीन फटती है तो एस्टुएरीज बनती है और बीच में क्रीक्स बनते हैं, क्रीक्स मतलब जहाँ से पानी गुजरता है। तो वो सारी जगह है कि जहाँ पर फिशिंग हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास जो जगहों के नाम है, अगर मैं कहूँ तो यू नो अबाउट लेक, लेक पता है क्या होता है, सही ना, एक झील, किसी झील की मिसाल दो, झील सैफुल मुल्क और केंजर झील और सतपारा लेक, वेरी नाइस, कलरी झील, एग्जैक्टली, केंजर का दूसरा नाम है, कलरी बोलो केंजर बोलो, और हालीजी झील, ठीक है। ये इस तरह की झीलें हैं जिसके अंदर आपका जो है देयर इज वाटर, आप वाटर वो कर सकते हो उसके अंदर, देयर इज स्टिल वाटर जहाँ आप फिशिंग कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट आर द प्लेसेस, आपके पास सी है, अरेबियन सी, ठीक है, और एक मुल्क के बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल्स तक उस मुल्क का ही एरिया कहलाता है वो, ठीक है। आप पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान की कोस्टल जो लाइन है, पाकिस्तान के इस कोस्टल बेल्ट के पूरे 200 नॉटिकल माइल्स ये समझ लो, जिस तरह हमारा रोड का एक माइल होता है ना, वैसा ही होता है, उसके आसपास एक नॉटिकल माइल होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक पाकिस्तान का वो समंदर कहलाएगा, इंटरनेशनल लॉ के तहत। अब वो कंट्रीज, अब अगर हम गूगल अर्थ पे देखें उन कंट्रीज को जिनका मतलब जिन फॉर एग्जाम्पल आइलैंड है, आइलैंड को बड़ा फायदा है इसमें, आइलैंड्स को इसमें बहुत फायदा है, क्योंकि उनके तीन चारों तरफ उनके जो है 200-200 नॉटिकल माइल्स का स्पेस उनको मिल जाता है, राइट। आपको कुछ चीज यहां बतानी है, या आपने स्पार्टली आइलैंड और पैरासेल आइलैंड्स के बारे में मेरी लेक्चर्स अगर लिए होंगे ना तो उसमें देखा होगा। सो देयर वी आर, पाकिस्तान, अब मिसाल पाकिस्तान की जो कोस्टल पूरी लाइन लग रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, ये पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की कोस्ट है पाकिस्तान की, ये सारी, ये सारा क्या है, इससे 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक पाकिस्तान फिशिंग कर सकता है इंटरनेशनल लॉ के तहत, पाकिस्तान की वाटर्स कहलाएंगी वो, ठीक है। इंडिया को कितना बेनिफिट है, कितना बड़ा एरिया इसके पास है, ठीक है, पूरे यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स हर तरफ से। अच्छा, अब ऐसे में अगर मैं यहां पर लिखता हूं स्पार्टली आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड यहां पर आ रहे हैं, ये क्या किया है चाइना ने इस जगह पर बहुत ही अकलमंदाना हरकत की है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है ना इसके ऊपर बड़ा खफा है, आप समझ लो। तो क्या किया चाइना ने ये जो शैलो वाटर्स थे, शैलो वाटर्स मतलब ऐसे कि जिसमें जमीन करीब थी, ऐसा पानी कि जिसमें नीचे जमीन करीब थी, तो चाइना ने पानी के जहाज ला ला, अपने जहाज ला ला के मट्टी भर भर के यहाँ पर मट्टी डाली, और मट्टी डाल के जमीन ले आया ऊपर और क्लेम कर दिया का ये हमारा लैंड है, तो ये स्पार्टी आइलैंड। तो इसके इसके आस पास का 200 नॉटिकल माइल्स जो है चाइना का हो गया, ठीक है। इसी तरह का पैरासेल आइलैंड भी है चाइना के, तो उनके साथ भी उन्होंने ये किया है, तो वो हालांकि चाइना से दूर है, पैरासेल आइलैंड्स भी अगर हम देखें तो पैरासेल आइलैंड ये देख रहे हैं आप, तो ये जो सारे हैं ना, ये पैरासेल आइलैंड का पूरा हिस्सा है। तो यहाँ पर मिट्टी डाल डाल के क्या किया है चाइना ने, ये पैरासेल आइलैंड है, तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स क्लेम कर लिए क्या, इसको अपना बना लिया। अब इसके आस पास का 200 मीटर 200 नॉटिकल माइल जिनका समंदर कहलाया, तो इसके आसपास से शिप्स गुजरती है ना, तो इसको कंट्रोल करते हैं,
तो साउथ चाइना सी में बड़ा फड्डा है, चाइना इसके ऊपर अपना कंट्रोल क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। और जबकि दूसरे ममालिक कहते हैं कि उनका इस पे क्लेम है जिसके आसपास वाले ममालिक हैं, और इस यहाँ पर यूएस भी चाइना को सस्टेन नहीं करने दे रहा। अब चाइना को इस पूरे समंदर से गुजरना पड़ता है। अब देखो ना, चाइना कहाँ है, चाइना के यहाँ पर मिसाल के तौर पर पोर्ट है, चाइना का सी तो इस तरफ आ रहा है ना सारा, इस तरफ तो लैंड लॉक्ड है, चाइना को यहाँ से पूरा गुजरना पड़ता है अपनी ट्रेड को लेकर। चाइना को यहाँ से लेट्स सपोज पूरा होते 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 जना पूरा नीचे से घूम के यहाँ से होते होते गुजरना पड़ता है इस तरफ से, और फिर जाके वो कहीं पर यूरोपियन कंट्रीज में सप्लाई कर सकता है। अब चाइना को कितना बड़ा फायदा है कि चाइना डायरेक्ट अपने वेस्ट चाइना वाले हिस्से से पाकिस्तान के सी पैक कॉरिडोर से होता हुआ अपना माल एक ही दफा शिप में चढ़ाएगा, और वो यहाँ पर गवादर के पोर्ट पे, ये वाले पोर्ट पे। सो दैट्स व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट फॉर, और कितने मंथ्स की जर्नी बच जाएगी चाइना की। बहरहाल तो ये हम कहाँ अभी फिशिंग के चैप्टर पे थे, तो हमारे जो फिशिंग है वो कहाँ कहाँ से पॉसिबल है, सी से पॉसिबल है। इसके अलावा समंदर के अलावा लेक्स, जो झील बनी हुई है, झीलें बनी हुई है, इसके अलावा रिवर्स, और रिवर्स के ऊपर जो डैम्स बने हुए जिन एरियाज पे, रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, हाँ पॉन्ड्स जो भी जमा हो, जहां पर थोड़ा पानी जमा हो जाए वहां भी कोई फिश अगर। इसके अलावा फिश फार्मिंग के भी पॉन्ड्स बनाए जाते हैं बाकायदा, फिश फार्मिंग बाकायदा की जाती है। मतलब फार्मिंग मतलब क्या बोलगी, उनको ग्रो करने के लिए जगह ऐसे बनाते हैं कि जहां पर फिश मतलब सर्वाइव करे, सही। इस तरीके से फिशिंग के सारे मैथड्स हैं जो समंदर की फिशिंग कहलाती है, मरीन फिशिंग कहलाती है, ठीक है। और समंदर फिशिंग इंडस्ट्री जो है पूरी, जो फिशिंग का कमर्शियल बिजनेस है पूरा, उसको हम एक्वाकल्चर भी कह सकते हैं, फिश फार्मिंग को एक्वाकल्चर भी, फिश फार्मिंग को हम एक्वाकल्चर भी कह सकते हैं, खुद फिश उगाना। फिश फार्मिंग या एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एक्वा मतलब पानी। इन पाकिस्तान देयर आर मेनी फिश फार्म्स इनलैंड यूजिंग मैनमेड। अच्छा, इनलैंड एक तो होती है इनलैंड फिशिंग, ठीक है, और एक होती है आप इनलैंड के अलावा जो करते हो, कौन सी होती है, मरीन फिशिंग, जो मतलब अपने लैंड के विद इन द लैंड नहीं है बल्कि उससे आउटसाइड जाके, ठीक है। तो मरीन फिशिंग नाउ इंक्लूड सम मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑफ द कैच। कैच मतलब ये कि कितनी पकड़ी, कैच क्या है, कितनी पकड़ी, मतलब रिटर्न। कैच का दूसरा मतलब है रिटर्न। आपको इंग्लिश में अगर कोई कहता है ना कि इफ आई एम डूइंग दिस वर्क, व्हाट इज द कैच, व्हाट इज द कैच, मतलब मुझे क्या मिलेगा इसमें, सही। तो इसका मतलब रिटर्न क्या है, तो पाकिस्तान की जो रिटर्न है ज्यादा वो मरीन फिशिंग से है। ऑल्दो ज्यादा जो फिशरमैन है वो सारे कौन से फिशिंग में लगे हुए हैं, ज्यादातर फिशिंग फिशरमैन इनलैंड फिशिंग के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन आउटपुट ज्यादा हमें जो मिलता है, ज्यादा कैच कहाँ से मिलता है, मरीन फिशिंग से, क्योंकि उसमें मॉडर्न शिप्स और बड़ी बड़ी शिप्स, एक तो छोटी शिप्स भी हैं वो 5-6 किलो, 5 से 8 किलोमीटर के दरमियान तक जाकर फिशिंग कर पाती है, और उसके अलावा बड़ी शिप्स हैं जो कि 30-30, 40-40 किलोमीटर जाके प्रॉपर 5-6 दिन के अंदर फिशिंग करके आती हैं, 10-12 दिन रह के आती हैं, और बाकायदा फिशरी सारे फिश जमा करके आते हैं। तो वो मॉडर्न मेथड्स की वजह से, मॉडर्न नेट्स एंड मॉडर्न वेज ऑफ फिशिंग की वजह से वो लोग ज्यादा आउटपुट कलेक्ट करते हैं, हालांकि वो तादाद में कम है लेकिन फिशिंग वो लोग ज्यादा कर पाते हैं, ठीक है। फिश और फिशिंग के अंदर, फिश पकड़ना प्लस श्रिम्स पकड़ना शामिल है। श्रिम्स और फिश में क्या फर्क है, कैन एनीबॉडी टेल? हाँ, क्या ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की, ये श्रिम्स के अंदर आ जाता है। वैसे प्रॉन्स भी श्रिम्स में आते हैं कि नहीं आते, इट्स लाइक क्वेश्चनेबल, बट स्टिल श्रिम्स के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या है श्रिम्स के अंदर, ये प्रॉन, स्क्विड, एक्चुअली श्रिम्स में प्रॉन्स ही है बल्कि, ठीक है। आई थॉट स्क्विड्स वगैरह भी श्रिम्स के अंदर शामिल होते हैं, बट इट इज जस्ट गिविंग प्रॉन्स। चलो, वैसे आई थॉट क्रैब, स्क्विड्स और ये सारी चीजें आती है श्रिम्स के अंदर, जबकि फिश के अंदर बाकी वो आते हैं, लेकिन जो दूसरे सी फूड आइटम्स हैं क्रैब वगैरह वो शायद इसमें नहीं आते, श्रिम्स से नहीं आते। सो जस्ट कॉल इट श्रिम्स, फिश एंड क्रैब एंड जितने भी सारे सी फूड आइटम्स हैं वो सारे हम फिशिंग के अंदर कलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान इज अ मरीन फिशिंग, पाकिस्तान इज अ कोस्ट लाइन इनटू सिंध एंड मकरान कोस्ट। कराची की जो कोस्ट है, जो कि सिंध की कोस्ट है सारी,
कराची की कोस्ट भी सिंध में ही आती है, और बाकी सिंध की जितनी भी कोस्ट है इसके अलावा मकरान कोस्ट जिसमें सारा सुमियानी और मारा पसनी ग्वादर जवानी, ये सारा मकरान कोस्ट के ऊपर आता है। ठीक है, ये कोस्टल एरिया सिंध कोस्ट 30% ऑफ द कोस्ट लाइन है, जबकि मकरान कोस्ट 70% है। पाकिस्तान की कोस्ट जो पाकिस्तान की टोटल कोस्टल लाइन है ना, उसका 30% सिंध के पास है, 70% जो है वो मकरान कोस्ट मतलब बलूचिस्तान के पास है। द एक्सटेंट ऑफ कोस्ट लाइन तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब, आसान फिगर है, 10 किलोमीटर आगे पीछे कर लो, 1000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है पाकिस्तान की, जिसमें से 30% क्या है मतलब तकरीबन 300 किलोमीटर किसके पास, सिंध वाली से, बाकी 700 किलोमीटर के करीब किसके पास, मकरान कोस्ट के पास। ठीक है, फिश का के कुछ यूजेस बता दी कि आप फिश के, पहले तो फिश फूड सप्लाई है, आपको फूड मिलता है फिश से, वाइट मीट है इतना जबरदस्त। इसके अलावा फिश के जो है ना जो वेस्टेजेस हैं उससे मुर्गियों के या फीड बनते हैं या फर्टिलाइजर्स बनते हैं, ठीक है, दीगर जानवरों के फीड बनते हैं, और या जमीन को फर्टिलाइज करने के लिए फर्टिलाइजर्स बनते हैं, इसके वेस्टेज। इसके अलावा फिश में से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि अलग अलग हमें न्यूट्रिशन में काम आता है, फिश के अलग फिश के एक्सट्रैक्ट से, फिश ऑयल से बहुत किस्म की दवाइयां बनती हैं। और अगर बड़ी फिशों की बात करें ना, तो पहले तो फिश ऑयल बाकायदा ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता था, दैट्स लाइक लॉन्ग अगो, अभी भी शायद होता हो कहीं, बट नाउ इट्स नॉट द प्रैक्टिस। फिश को प्रिजर्व करने के लिए पहले जो ट्रेडिशनल मेथड यूज होते थे वो ये था, नमक लगा दिया, ड्राई कर दिया, नमक लगा दिया। लेकिन अब मॉडर्न मेथड्स के अंदर क्या है, प्रिजर्व करना है। आप गर्ल्स को ही बता सकते हैं कि आप फिश को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, सड़े ना, आसान सवाल है, बिल्कुल फ्रीज कर दो, रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रीजर्स में रख दे। तो इस वजह से जहाँ फिशिंग होती है वहां आइस फैक्ट्रीज बनाने का भी मतलब आइस फैक्ट्रीज की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो आप बहुत सारी फिश स्टोर कर सकते हो, आपकी बहुत सारी फिश एक्सपोर्ट होती है लोकली। आपकी जितनी हमारी फिशिंग है ना, उसमें हमारा पूरे मुल्क में जो दुनिया भर की बनस्बत फिश खाने का कल्चर है वो कम है, चाइनीज जैपनीज कोरियंस इसमें फिश खाने का कल्चर बहुत ज्यादा है, यूरोपियंस अमेरिकन इन सब में बहुत ज्यादा फिश खाने का कल्चर, पाकिस्तान में कम है वो कल्चर फिश खाने का। पाकिस्तान का फिश पर कैपिटा, फिश पर कैपिटा का मतलब आवाम से डिवाइड करते, पूरे साल जितने टन की फिश, जितने केजी फिश पकड़ते हैं ना पूरे साल, वो एक तरफ लिखो और डिवाइड करो पूरी आवाम से, 22 करोड़ की आवाम से डिवाइड कर दो, तो पाकिस्तान का फिश पर कैपिटा आ जाएगा। पाकिस्तान की फिश कंजम्पशन पर कैपिटा जो है ना वो तकरीबन 1.5 किलो है पूरे साल की, पूरे साल में हर बंदे में डिवाइड करें तो 1.5 किलो मछली से ऊपर नहीं खाता। और अगर आप सोचोगे आप कहोगे तो पूरे साल में 1.5 किलो भी नहीं खाता शायद, लेकिन कुछ लोग होते होंगे ज्यादा खाते होंगे। ठीक है, तो बैलेंस आउट हो गया, फिश पर कैपिटा अराउंड 1.5 केजी आता है, सही। बहुत से लोग हैं जो नहीं खाते होंगे, हम तो शायद फिर खा लेते होंगे पूरे साल के, हम शायद 5-6 केजी खा जाते होंगे फिश, लेकिन बहुत से लोग हैं जो खाते ही नहीं है सरे से फिश। सो एवरेज आउट हो जाता है ज्यादा खाने वाले का और ना खाने वाले का, 1.6 केजी पर पर्सन। खैर, सो विल टॉक अबाउट इट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, सब्सिस्टेंस फिशिंग एक्चुअली, वैसे सब्सिस्टेंस का मतलब अपना घर चला लो इतनी, क्या ये सब्सिस्टेंस फिशिंग क्या कहलाई, इतनी फिशिंग के खुद खाने के लिए बचे, इतनी फिशिंग कर ली अपने घर वालों ने खा लिया, उससे अपना डाइट मेंटेन कर लिया। ठीक है, जबकि फिश के जरिए कमर्शियल फिशिंग जो होती है वो क्या, आप प्रॉफिट्स बनाते हो, आप सरप्लस पकड़ते हो फिश, जितनी चाहिए उससे ज्यादा पकड़ते हो, उससे ज्यादा पकड़ते हो और उसको सेल ऑफ करके प्रॉफिट बनाते हो। ओके, तो कमर्शियल फिशिंग है। आप देर आर टू मेन सेंटर्स ऑफ कमर्शियल फिशिंग, कराची और गवादर। कमर्शियल फिशिंग के सबसे मेन सेंटर जो है ना, सबसे ज्यादा यहाँ से फिश पकड़े जाते हैं कराची और गवादर। द सिंध कोस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड अकाउंट फॉर नियरली 68% ऑफ द टोटल मरीन कैच। अभी गवादर स्टिल अंडर डेवलपमेंट है, उसकी जितनी वहां से जितनी फिश पकड़ी जाती है उससे कई ज्यादा कराची कोस्ट की तरफ से पकड़ी जाती है, कराची के आगे से फौरन एकदम कराची की कोस्ट लाइन के बाद भी बहुत डीप जाते हैं भाई, 200 नॉटिकल माइल्स आपका एरिया है, आप 4-5 किलोमीटर भी आगे चले गए तो आप बहुत सारी फिश पकड़ सकते हो, और ना रही है आप मतलब इट्स अ वेरी, आप समझ लो 400 किलोमीटर तक का आपके आपका एरिया, आपकी कोस्ट से आपके समंदर के किनारे से आगे तक तकरीबन 380-400 किलोमीटर आपके अपना समंदर है किलोमीटर्स में अगर बात करें। ठीक है, तो उसमें तो आपके पास बहुत मार्जिन है ना फिश पकड़ने का आगे तक। सो कराची से जितनी भी टोटल पूरे साल की फिश पकड़ी जाती है पाकिस्तान की, तो 68% कहाँ से होती है,
कराची की कोस्ट की तरफ से। गवादर की परसेंटेज अब तक काफी बढ़ गई होगी, ये पुराने पुराना छपा हुआ कंटेंट, अब वो जाहिर सी बात है क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट बढ़ती चली आ रही है, वहां मॉडर्न मशीनरी लगती जा रही, तो इट्स मोर देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि ये परसेंटेज भी चेंज आया होगा। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग अलोंग द सिंध कोस्ट, इट हैज न्यूमरस पीक्स, शेल्टर्ड हार्बर्स एंड वाइड शैलो सी बियॉन्ड, इट हैज एडवांटेज ऑफ अ वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ देन द मकरान कोस्ट, द इंडस डेल्टा इज रिच इन फिश फूड, much of which is brought down to the delta by the river Indus. कह रहे कई वजूहात है जिसकी वजह से सिंध कोस्ट से ज्यादा पकड़ी जा रही है, ठीक है। एक उसमें से वजह यह है कि आपके शेल्टर्ड हार्बर्स बहुत सारे हैं, मतलब आपके शेल्टर्ड वाटर, शेल्टर्ड वाटर क्या होता है, शेल्टर तो उसे कहते हैं कि जो छज्जा होता है धूप ना पड़े, नहीं से मुराद ये नहीं, जब शेल्टर्ड वाटर की बात आए ना तो इसका मतलब ऐसा वाटर, ऐसा पानी जिसपे ओशियन का फ्लो बहुत ज्यादा ना हो, ओशियन की लहरों का फ्लो बहुत तेज ना हो, समंदर की लहरों के बहुत तेज थपेड़े ना हो, बल्कि टूटते हुए आए और स्टेबल फॉर्म में हो समंदर। जितना स्टेबल फॉर्म में होता है समंदर, वहां ज्यादा फिशिंग हो सकती है क्योंकि वहां फिश आपकी फ्रीली मूव हो रही होती है, वरना फिश बहुत डीप चली आती है। अगर समंदर बहुत अनइवन हो रहा हो ना कहीं बीच समंदर में, तो फिश बहुत डीप चली आती है, और उसके बाद ऐसे डीप समंदर से फिशिंग करने के लिए आपको फिर मॉडर्न मशीनरी और ऐसे इक्विपमेंट चाहिए थे जो बहुत डीप तक जाके फिशिंग करें, ओके। सो एक वजह तो यह है कि आपकी शेल्टर मतलब इस तरह के एरियाज बने हुए कि आपकी जो है ना समंदर की लहरें टाइट जो है ना थोड़ी स्टेबल है सिंध कोस्ट की तरफ। फिर एक वजह यह कि सिंध कोस्ट की तरफ डेल्टा क्रिएटेड है, डेल्टा में रिवर वाटर प्लस समंदर का पानी, ये दोनों का एक वो होता है, वो एरिया बनता है। तो उन डेल्टा वो डेल्टा जो है, डेल्टा वाले जितने भी एरियाज होते हैं ना, वो है किस तरफ, डेल्टा हमारा किस तरफ, सिंध की कोस्ट की तरफ ही है ना। देखो आपका इंडस रिवर दरिया का पानी जमीन पर पड़ रहा है, तो डेल्टा यहाँ बनता है ना, तो डेल्टा की तरफ फिशेस के जो नशोनुमा है वो बहुत ज्यादा होती है, तो वहीं ज्यादा फिश पाई जाएगी, क्लियर है। फिर फिश फूड भी वहां ज्यादा है, मैंग्रोव्स वहां ज्यादा होते हैं, तो उनके मैंग्रोव्स, और इसके अलावा कोरल्स, वो जो समंदर के अंदर शैलो वाटर्स के अंदर आपके वो जो उगते हैं सारे प्लांट्स, तो फिश वहां पर अच्छी डेवलप होती है, ठीक है। इसके अलावा क्रीक किसे कहते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्रीक किसे कहते हैं भाई, अब डेल्टा क्रिएट हुआ है मिसाल के तौर पे, सही है, इस ये इंडस वाटर फ्लो हो रहा है, और ये यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ फ्लो हो रहा है, अलग अलग तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये डेल्टा बन गया पूरा, और ये बीच में इस डेल्टा के, ये पूरा जो डेल्टा बना है बीच में बहुत सारे लैंड पीसेस है, ठीक है। तो दो लैंड पीसेस के दरमियान जो नैरो वाटर की स्ट्रीम जा रही है ना, वो क्या है, वो क्रीक है, समझ रहे हो, क्या है वो, क्रीक। तो आप डेल्टा भी समझ गए, एस्टुअरी भी समझ गए, और क्रीक भी समझ गए। एस्टुअरी किसे कहते हैं, ये जो लैंड का पीस है, जो लैंड बने हुए ना, छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए, वो हमारे क्या है, एस्टुअरीज है पूरे डेल्टा के अंदर। और क्रीक क्या है, दो एस्टुअरीज के बीच में जो पानी फ्लो हो रहा है, समझ लो, क्लियर है। तो वो बहुत ज्यादा है सिंध की तरफ, क्योंकि रिवर वाटर फ्लो डाउन हो रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा इट हैज द एडवांटेज ऑफ अ वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ देन द मकरान कोस्ट, वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यार ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से मुराद क्या, आई हैव टू सी दैट। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो वाला एरिया होता है जो शेलो वाटर का होता है, उसके बाद स्लोप आता है और उसके बाद राइज आ जाता है, समझे बात को। तो जितना शेलो वाला हिस्सा है ना, उसका जो लेंथ है बहुत ज्यादा है सिंध की तरफ, मकरान की तरफ, कॉन्टिनेंटल राइज वाले एरिया फॉरन लगता है, जब भी तो शिप्स वहाँ जो है, शिप्स एकदम मकरान कोस्ट पे ना गवादर के साथ लगती है, इतना जबरदस्त पोर्ट है, उसमें राइज बहुत ज्यादा है, यहाँ पर शेलो वाटर्स बहुत ज्यादा है, कहाँ पर, सिंध में। तो शेलो वाटर्स जहाँ ज्यादा है, तो वहां पर फिशिंग आपकी जो है ना, मॉडर्न मशीनरी ना भी हो तो अच्छे से हो जाती है, समझ आ रही। तो एक ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद स्लोप है, और ये उसको मत स्लोप समझना कि आप समंदर में जब उधर भाई हम हॉग्स में जाते तो अचानक से डेप्थ आती है, हाँ वो स्लोप होगा, लेकिन यह वो इतनी सी डेप्थ है, उसकी बात नहीं हो रही है, ये तुम शेल्फ ही समझ लो, हम जितना सी साइड पे होते हैं ना, वो तो शेल्फ एरिया ही है, वो आगे जाके कोई इतनी डेप्थ है कि जहाँ पर कश्ती खड़ी रह सके, बड़ी बड़ी शिप खड़ी रह सके, वो होता है स्लोप या राइज, कि इतना राइज एरिया है कि वो मतलब वहां पर आपके जो है आप ओशियन तक पहुंच गए एक तरह से, कि अब आप जो है ना ओशियन के
डेप्थ तक, ओशन की जो मेन डेप्थ है वहां तक आ गए। तो वहां शिप्स, गवादर पोर्ट में डेप्थ बिल्कुल करीब है पोर्ट के साथ, तो फिशिंग के लिए भी कोई ऐसा नहीं है, डीप ओशन में फिशिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए मॉडर्न मशीनरी चाहिए होगी और मॉडर्न मशीनरी इज वेरी एक्सपेंसिव। तो सिंध के अंदर, और पाकिस्तान के पास इतनी अभी मॉडर्न मशीनरी है नहीं, तो सिंध के पास वो जो नॉर्मल बोट्स होती है ना, जो दस बंदा दस दस बंदे भी घूमने जाते हैं फिशिंग करने जाते हैं, जो ये वाली इस तरह की लॉन्चेज होती है जो, तो उस पर भी फिशिंग हो सकती है यहाँ पर, इन जगहों पर, कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरिया पर, सही। इन कमर्शियल फिशिंग, इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल सेल बोट्स एंड फिश नेट्स, न्यू टेक्निक्स इन फिशिंग आर ऑल्सो इन यूज। द गिल नेटर्स एंड मेकेनाइज्ड बोट्स हैव मेड इट पॉसिबल टू फिश 50 to 60 kilometers from the coast in deep sea waters. कह रहे commercial fishing के अंदर जैसे जैसे addition होता जा रहा है new techniques का, new machinery का, नए mechanized boats का, तो उतना ज्यादा possible हो रहा है कि 50 से 60 kilometer coast से दूर जाके भी fishing कर सकते हो deep waters के अंदर, और बहुत बड़ा catch लेके आ सकते हो आप fish का। ट्रेडिशनल सेल बोट्स कैन ओनली गो, और जो ट्रेडिशनल बोट्स हैं, जो ये वाली हैं, ये ट्रेडिशनल बोट्स हैं, दे कैन ओनली गो अप टू 5 किलोमीटर ऑफ द शोर, मतलब जो आपका शोर है समंदर का किनारे, उससे 5 किलोमीटर दूर तक जा सकती है ट्रेडिशनल बोट्स, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, ठीक है। दे स्टिल दे ट्राई टू रिमेन ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओके। हाउ एवर द ट्रेडिशनल सेल बोट्स आर स्टिल वाइडली यूज, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि उसकी एक तो ज्यादा लोगों को लेबर मिल रही है उससे, ज्यादा हर बंदा जो है ना कुछ पैसे जोड़ के एक बोट खरीद लेता, अफोर्ड कर लेता है, इट्स लाइक एक टैक्सी खरीद ली चलाने के लिए, तो जो फिशर मैंने वो टैक्सी नहीं लेंगे, जा रहे वो बोट्स लेंगे समंदर पर चलाने के और वो फिशिंग करेंगे, तो इट इज मोर अफोर्डेबल, उसमें कोई डीप टेक्निक्स नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर जो शिप्स होती है जिसके अंदर प्रॉपर सिस्टम लगे होते हैं फिशिंग के, तो वो बड़ी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वो नहीं होता किसी के पास इतनी कैपेसिटी करने की, ठीक है। बिग नेट फिशिंग, हाँ, जो जो जिसके अगेंस्ट जो है ना, बिग नेट फिशिंग के अगेंस्ट बहुत सारे हमारे लोकल जो ट्रेडिशनल सेलर है ना, वो बड़े बिग नेट फिशिंग के खिलाफ है, कि बिग नेट फिशिंग करेंगे ना अगर चाइनीज, तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वहां तक तो फिश का आउटपुट ही नहीं पहुंच पाएगा, डीप सी से सब छट जाएगा, जितने ये कितने, मतलब अगर आपके सालों की जो फिशिंग आपकी ट्रेडिशनल मेथड से हो रही है, तो ये चाइनीज जो फिशिंग, मतलब मॉडर्न फिशिंग है चाइना की, और वो मकरान कोस्ट या किसी भी जगह, पाकिस्तान अगर चाइना को राइट्स दे रहा है कि हमारे समंदर यूज कर ले फिशिंग के, जाहिर है पैसे मिलते हैं, लेकिन जो लेबर आपका लोकल लेबर है जो खुद अपनी फिश लेके आता है, वो कहेंगे कि हमारे पास अब आउटपुट ज्यादा नहीं आएगा अगर इतने बड़े पैमाने पर फिशिंग चाइना कर लेगा, ठीक है। तो ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इकोनॉमी में का आपका, अगर आप इकोनॉमी के अंदर देखें तो फिशिंग का जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा आपका पोर्शन जो है ना फिशिंग की वजह से भी होगा, बहुत बड़ा से बड़ा तो होगा शायद 1% भी हो या आधा परसेंट भी हो, लेकिन इट इज स्टिल पार्ट ऑफ जीडीपी, आधा परसेंट भी जीडीपी का बहुत बड़ा होता है, जीडीपी का आधा परसेंट भी अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया ना फिशिंग इंडस्ट्री को, इट्स टू मच। तो अगर वो आप कोई ऐसी पॉलिसीज क्रिएट कर दो कि कोई और मुल्क आके उसमें राइट्स ले रहे और कर रहे, आपको पैसे तो वो मुल्क बहुत देगा, लेकिन वो अपने मॉडर्न मेथड से चंद सालों के अंदर इतनी फिशिंग कर सकता है आपके समंदर से, कि उस तरफ फिर आपके समंदर तक आउटपुट ब्रीडिंग भी खत्म हो जाए फिश की, हमारे सस्टेनेबल फिशिंग जो होती है ना वो नहीं होगी, फिर वो बहुत ज्यादा फिशिंग हो जाएगी, ओवर फिशिंग हो गई। अच्छा, जो हमारे कोस्ट से, जो समंदर से, ओशन मरीन फिशिंग से जो निकलते हैं, शार्क्स, लिटिल शार्क्स भी फिश हो जाती है वो आप, क्योंकि वो वहां पर है, क्रोकर्स, स्केट्स, ड्रम्स, कैटफिश, रेजियम, ये इकसाम है कि किस किस तरह की फिश मरीन फिश से, मरीन फिशिंग से आते हैं, मतलब समंदर की फिशिंग से। फिर इनलैंड फिशिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो इनलैंड फिशिंग है बिहाइंड द डैम्स होती है, डैम्स के पीछे रिजर्वॉयर्स होते हैं, वो स्टेबल वाटर है, वहां पर हो जाती है फिशिंग। इसके अलावा चलते हुए बहते हुए पानी में भी हो जाता है, अपने नेट डाल दिया, जो चश्मे से चश्मे बह रहे हैं उसके दरमियान फिशेज आके लग रही हैं आपके साथ। इसके अलावा लेक्स के अंदर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकायदा फिश फार्मिंग भी की जाती है, इस तरह से बाकायदा पॉन्ड्स बना देते हैं जमीनों के दरमियान, उस पर पानी भर देते हैं, ठीक है। तो फिश फार्मिंग भी की जाती है। तो कौन कौन सी फिश निकलती है समंदर, वो इनलैंड फिशिंग के अंदर, तो वो ये थोड़ा सा टेक्स्ट कटा हुआ है, लेकिन पल्ला मछली, ट्राउट मछली, थल्ला, राहू, मनासीर, ये सारी इकसाम है, जिसमें मैंने पल्ला, ट्राउट और थल्ला का तो नाम सुना है, बाकी का नहीं पता। लेक्स की मिसाल दे तो लेक्स से भी फिशिंग होती है, लेक्स में मानछर लेक, मानछर झील डाडू में है, कलरी, ये कायरी लिखे, कलरी, कलरी बोलो या केंजर बोलो एक ही बात है, ये एक ही लेक है, केंजर झील बोलो या कलरी बोलो, कलरी झील थट्टा में, हालीजी या हालीजी है, हालीजी झील
वो भी ठट्टा में रिजर्व, और फिर मंगला और तरबेला डैम जो है हमारे उसके पीछे रिजर्वॉयर्स है। हमारे जो बड़े डैम्स है वो कौन से है, मंगला डैम और तरबेला डैम, तो उसके पीछे जो रिजर्वॉयर्स है वहां भी फिश है। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर फिशेस, ये मीठे पानी की फिश होती है। रिवर इंडस एट सक्करकोट भी ठट्टा। अच्छा पाकिस्तान में यूजुअली आप बताओ फ्रोजन फिश खाई जाती है या फ्रेश? फ्रेश वो आके, बल्कि हमारे जो स्ट्रीट हॉकर्स होते हैं ना, जो आके बाकायदा गलियों में आके बेचते हैं फिश डोर टू डोर, वो तो हमारे सामने काटते हैं, छुरा भी हमारे सामने मारते हैं। सही, दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट होती होगी वो फ्रोजन होती है, भले वो पूरा पीस भी हो या तो वो स्लाइस में काट काट के वो फ्रोजन बेचते हैं, या फिर पूरा पीस भी बट फ्रोजन वाली, बिकॉज एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन में टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन लगता है। और बिकॉज हम कोस्ट, एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ कोस्ट भी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी है कि हम फ्रेश फिश खा सकते हैं। सो इट्स लाइक बेटर इन टेस्ट फ्रेश फिश। फिजिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट फिशरीज एज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो फिशरीज डेवलप होंगी जितनी, वो इकोनॉमी आपकी उतनी बूस्ट होगी फिशिंग साइड से। नुकसान भी होते हैं क्योंकि आपने ओवर फिशिंग कर दी तो फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तो आप ओवर फिशिंग की कंडीशन में नहीं हो, अभी तो आपके मॉडर्न मशीनरी नहीं आई है। दुनिया भर में तो मॉडर्न मशीनरी से फिशिंग हो रही है और दुनिया भर में फिश ज्यादा खाई भी जा रही है। आपके मुल्क में जितनी फिश का कैच है ना, उससे उसमें ज्यादातर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे लोकल कंजम्पशन फिश की फिर भी कम ही है। अच्छा जी, फिशिंग का इकोनॉमिक, इकोनॉमी के अंदर एडवांटेज क्या है? इकोनॉमी मतलब हमारी कमाई के जराए बनाती है फिशिंग। कैसे? एक तो अलग अलग स्पेशीज की फिशेज पकड़ते हैं, अलग अलग एग्जाम के फिशेज पकड़ते हैं। कोई यूनिक फिश आ गई तो वो तो बिल्कुल ही यूनिक फिश होने की वजह से हाई वैल्यू पे बिकेगी, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अलग अलग एग्जाम की फिश है, मतलब कुछ फिशेज ऐसी होती है जो केमिकल इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बड़ी काम की है, कि जिसमें फिश ऑयल ज्यादा निकल रहा है। कुछ फिश ऐसी है कि जिसके अंदर मिसाल के तौर मीट, वो जो फिश का जो मीट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, कुछ मतलब अलग अलग एग्जाम की फिशेस, जितनी किस्म की फिश स्पेशीज होंगी उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक इनकम के चांसेस ज्यादा हैं, तो इकोनॉमी में सपोर्ट करती है फिशिंग। सेकेंडली फिशिंग टेक्निक्स, अगर हमारी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट, डेवलपिंग फिशरीज एज एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन गवादर, कह रहे हैं कि अगर हम फिशिंग टेक्निक्स, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो फिशरी को डेवलप करना पड़ेगा। हमारी फिशरीज को डेवलप करने के अंदर ये चीज शामिल है कि हम अपनी फिशिंग टेक्निक्स इंप्रूव करें। फिशिंग टेक्निक्स इंप्रूव करेंगे तो हो सकता है कि हमारी जो जितनी लेबर लगी हुई है उन सबको अगर हमने ट्रेनिंग दी प्रॉपर फिशिंग की, सस्टेनेबल फिशिंग की, तो आगे तक के लिए हमारी इनकम सस्टेनेबल रहेंगी, प्लस हमारी करंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कम वेस्टेज के साथ आप फिश पकड़ोगे। मिसाल के तौर पे अब कोई है जो शुगल में फिशिंग के लिए जा रहे हैं, तीत किसी मछलियां पकड़ रहे हैं, वो खाने की भी नहीं है, फजूल में पकड़ रहे हैं, इससे तो उनको आप छोड़ दो, ब्रीड होंगी। आप समझ रहे बात को? बड़ी मछली पकड़ने की टेक्निक्स जो होंगी वो सिखाई जाए, उस पर ट्रेन किया जाए, और नेटिंग की टेक्निक्स, किस एरिया पे ज्यादा फिश आते, तो ये सारे फिशिंग टेक्निक सिखाने से भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगी, फिशरी डेवलपमेंट में काउंट होगी ना। ट्रेनिंग और सारे आपके मेथड्स और आपकी शिप्स और आपके नेट्स, जो भी आपके इक्विपमेंट है वो सारे इंप्रूव होते चले जाएंगे, और जब फिश डेवलपमेंट होगी तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई अगर लिखा हो कहीं पर कि जीडीपी के अंदर हमारी फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करती है, सो इट्स नॉट हियर रिटन। खैर, फिश प्रोसेसिंग एट गवादर, इनिशियली द स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉर प्रिजर्विंग फिश वॉज, पहले कैसे फिश प्रिजर्व की जाती थी, नमक लगा के खुश करके, लेकिन अब छह छह गवादर में बन गई हैं, और सर बंदर में दो, एक सर बंदर में दो, जीवानी में चार, पसनी में तीन, और मारा में, बताने के लिए आइस फैक्ट्रीज का क्या काम है फिर, और फिश मतलब फ्रेश रहने के लिए, मतलब सड़ ना जाए इसलिए वो फ्रोजन होती है वहां पर। बहरहाल यू गाइस विल रीड दिस। और हमारी फिशिंग मार्केट क्या ज्यादा, अच्छा हमारी मार्केट यूरोप नहीं है, यूरोपियन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी फिशरीज के जो स्टैंडर्ड है वो थोड़े अनहाइजेनिक है, तो वो हाइजीन की वजह से वो मतलब है ना, जब तक मजीद हाइजेनिक फिशरीज नहीं क्रिएट हो जाती तब तक हमारी यूरोपियन मार्केट ओपन नहीं हुई, और हो सकता है अब तक कुछ हो गई हो, हमारी हाइजेनिक फिशिंग फिशरीज क्रिएट हो गई है, तो जो कैन कैंड फिशेज जो है ना, कैन मतलब कैंस में बंद करके वो यूरोप भी एक्सपोर्ट करते, हो सकता है होता ऐसा, लेकिन वो यूरोप के स्टैंडर्ड जो है वो अगर जब तक यहाँ पर जो लिखा है यूजुअली हमारी यूरोप के स्टैंडर्ड मीट नहीं होते, तो दैट इज नॉट आवर मार्केट, दे डोंट बाय, इट्स बैंड, वहां पर बैंड है हमारी फिश जनरली।
सही है. करंट पोजीशन वी डोंट नो येट बिकॉज़ इट्स एन ओल्डर वर्जन ऑफ द बुक. इसके अलावा हमारी फिश मार्केट क्या है? श्रीलंका, चाइना, कोरिया, जापान, ये हमारी फिश मार्केट है जहाँ पर हमारी फिश दिखती है. पाकिस्तानी फिश, फिश इज मार्केटेड इन थ्री वेज. पाकिस्तान की फिश तीन तरीकों से मार्केट की जाती है. लोकल सेल भी होती है, ठीक है. ये आप जब पूरा पढ़ोगे तो आपको इसका जो है ना क्रुक्स क्या निकलेगा. सम ऑफ द सम बिजनेसमैन फ्रॉम कराची और फॉरेन कंट्रीज बाय फिश इन द ओपन सी. इन दिस वे दे अवॉइड पेइंग पोर्ट चार्जेस. मतलब कुछ हमारे जो है बिजनेसमैन जो है वो ओपन सी एरिया जहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल्स नहीं है उन एरियाज पे जाके जहाँ रेगुलेटेड एरियाज नहीं है, डेवलप्ड नहीं है इतने, तो उनको पोर्ट चार्जेस नहीं देने पड़ते क्योंकि वहाँ रेगुलेट कोई वो प्रॉपर पोर्ट से वो नहीं बने हुए हैं, ठीक है. मोस्ट ऑफ द फिश इज ऑक्शन एट फिश हार्बर्स. हार्बर्स क्या होता है? जहाँ पर फिशिंग बोट्स लगती है ना, पार्क होती है जहाँ पर फिशिंग बोट्स, वो हार्बर्स कहलाते हैं. जहाँ पर फिशिंग बोट्स डॉक की जाते हैं, डॉक मतलब हार्बर के साथ बांध देना, हार्बर वो जगह जहाँ पर फिश वो अपनी शिप बांध सकते हैं. तो ज्यादातर फिशेस के फिश क्या, आपकी कश्ती आती है तो कश्ती नीलाम होती है, ऑक्शन होती है कि जो पूरी कश्ती में जितना कैच है इसके कौन कितने, जो सबसे ज्यादा रेट लगाते हैं सारी फिश उसकी हो जाती है, ठीक है. इस तरह से नीलामी ऑक्शन, समझते हो ना. किसी ने लगाया मिसाल के तौर पर कि भाई 50,000 रुपए, किसी ने लगाया 55,000 रुपए, करते करते जिसने हाईएस्ट बिडर जो होगा, बिड मतलब रेट लगाने वाला, हाईएस्ट बिडर को फिश चली जाती है. तो एक तरीकेकार ये है. एक है कि ओपन सी में जाके आप लेके आते हो जहाँ पर किसी किस्म के हार्बर वैसे वाले नहीं है और गवर्नमेंट प्रोवाइडेड नहीं है और गवर्नमेंट के पोर्ट्स नहीं बने हुए, और वहां से लेके आके आप लोकल मार्केट में सेल करते हो, ठीक है. दूसरा ये कि जो प्रॉपर बनी हुई मार्केट्स है वहां पर अपनी फिशिंग बोट में फिश करके आते हो, लेके आते हो, और वहां पर आप पूरी फिश ऑक्शन करते हो जितनी आपके पास अवेलेबल है पूरी कश्ती के अंदर. तो यूजुअली जो सब्सिस्टेंस फिशिंग होती होगी ना वो कहाँ होती होगी? ओपन सी में होती होगी. क्या अपने लिए जाके ले आए? क्योंकि जहाँ पूरी पूरी मार्केट बनी हुई, पूरी इंडस्ट्री बनी हुई, तो वहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल्स भी आ जाते हैं. जहाँ पर सारी शिप आके लगती है, जहाँ प्रॉपर ऑक्शन होता है, तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट कंट्रोल पे आता है, तो वो गवर्नमेंट्स को भी पे करते हैं पोर्ट चार्जेस, है ना, कि अपनी हार्बर करने के चार्जेस, कि अपनी शिप आप लगा रहे हो पोर्ट के साथ, वो डॉक कर रहे हो तो उसके चार्जेस. अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कैच इज मार्केटेड लोकली. इट इज सोल्ड टू द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फिशिंग. कह रहे हैं कि एक तो हमारा तरीकेकार क्या है कि ओपन सी में जाके ले आए और लोकल मार्केट्स में सेल करते हैं. एक तरीकेकार क्या, पूरी पूरी शिप्स ऑक्शन हो गई. अब जो शिप्स पूरी शिप मतलब कश्ती ऑक्शन नहीं हो जाती, उसके जितनी फिशिंग की है वो ऑक्शन होती है, वो उसका जो खरीदार जो होता है, वो जो भी बिजनेसमैन होता है, वो फिर फिश लेके उसके ऊपर है कि वो उसको एक्सपोर्ट करता है, उसको ज्यादा बेटर रेट कहाँ मिलता है, उसकी जो लाइन बनी हुई. कुछ होते हैं जो एक्सपोर्ट कर देते हैं, कुछ होते हैं लोकल मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है. तो बड़े बिजनेसमैन जो ऑक्शन पे लेते होंगे ना वो एक्सपोर्ट ही करते होंगे ज्यादा, ठीक है. और बाकी तीसरा तरीकेकार यह है कि जो लोकल मतलब लोकल मार्केट के अंदर भी बेचने की पूरी सप्लाई चेन बनी हुई है, कि जो जिन्होंने ऑक्शन किया है अगर वो लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, या जो ओपन सी से पकड़ के लाए वो लोकल मार्केट में बेच रहे हैं, तो मतलब अब जिनको फिश बिक्री है ना, तो वो फिर इलाकों में जाके या तो बेच रहे हैं, या इलाकों की दुकानों में बेच रहे हैं, या सी हॉकर्स उनसे खरीद के जाके गलियों में जाके बेच रहे हैं, सही. तो इस तरह लोकल मार्केट तक पहुंचती है. अब सवाल यहाँ पर ये पूछता हूँ, बताओ एक्सपोर्ट हमारी लोकल मार्केट तक फिश कैसे पहुंचती है? एक सवाल ये पूछा जा सकता है. दूसरा, हमारी फिश एक्सपोर्ट कैसे होती है? तो उसमें पहले फिश पकड़ने का तरीकेकार बताओ. फिश पकड़ी जाके, सही ना, चाहे वो कराची कोस्ट से पकड़े, मकरान कोस्ट से, तो जो पोर्ट एरियाज है जब वहां से पकड़ी, तो वहां पूरी शिप नीलाम हुई. या तो जो ओनर होगा ना शिप का, वो तो नीलाम नहीं करेगा, वो तो कहेगा मैं खुद ही, मेरी खुद फिश है, मैं खुद जाके एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है. अदरवाइज जो नीलाम करेंगे वो अपनी फिश सारी किसी बड़े बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को नीलाम कर देंगे. वो इन्वेस्टर के पास कोई लाइन बनी हुई होगी, कोई उसके लिंक्स होंगे, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग अगर कर रहा होगा तो उसके पास बाहर के कस्टमर्स होंगे, तो वो उनको बेचेगा, तो उसको प्रिजर्व भी करनी पड़ेगी, फ्रोजन भी करनी पड़ेगी ताकि सड़े ना. बाकी जो लोकल बेच रहे हैं वो भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते, डिस्ट्रीब्यूटर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स मजीद ऐसा होता है ना, जैसे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर फिर जो है ना गलियों में दुकानें खुली होती हैं उनकी, लोग उनसे लेते हैं डायरेक्ट. तो फिश की तो रिटेलर से भी ज्यादा है. फिश की अगर हम देखें तो मोहल्लों में दुकानें होती है फिशिंग की, फॉर एग्जाम्पल हमारे मोहल्लों में जो करीबी मार्केट है वहाँ फिश की शॉप होगी या ठेले होंगे रास्तों में जो फिश के लगे होते हैं. लेकिन उनसे उसके बाद ये भी होता है कि जो स्ट्रीट हॉकर्स होता है वो अपनी साइकिल के अंदर फिशें रख के लेके जाके गलियों में सेल करते हैं. ऐसा होता है ना, ऐसे मछली वाले आते हैं ना बाइक्स पे, साइकिल्स पे, जो फिश सेल करते हैं. तो ये पूरा एक मार्केटिंग है, मतलब पूरा लॉजिस्टिक्स बने हुए किस तरह फिश हम तक पहुंचती है या एक्सपोर्ट होती है. तो इससे हमारी इकोनॉमी में बड़ा बेनिफिट है, लोकल्स को जॉब्स मिलती है,
कितने सारे लोग कमाते हैं अगर लोकली सेल कर रहे हैं, और फिर एक्सपोर्ट अगर कर रहे हो तो आपके मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बाहर मुल्क की करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इन शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज का जिक्र है तो समझ लो डॉलर। आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा डॉलर आपके पास आएगा, जितना ज्यादा डॉलर आपके पास आएगा आपका मुल्क उतना सरप्लस में जाएगा। जितनी ज्यादा चीज बेचोगे तो उतना पैसा आएगा, जितनी ज्यादा बाहर से चीज खरीदोगे उतना पैसा जाएगा। तो उमूमन हमारे मुल्क की हिस्ट्री ऐसी है खरीदारी हम ज्यादा करते हैं बाहर से, बेचते कम है, तो हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। लेकिन रिसेंट ईयर्स में हम सरप्लस में आना शुरू हो गए, उसकी अपनी वजूहत है, फिर वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक खुल जाएगा पूरा, इसलिए अभी उस पर नहीं आ रहा। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि गवर्नमेंट्स किस तरीके से इस फिशिंग इंडस्ट्री को डेवलप कर सकती है, ठीक है, इस हवाले से यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिखा ये देखोगे। फिर यहाँ पर आ जाते हैं गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू डेवलप फिशरीज, तो गवर्नमेंट की क्या एफर्ट्स हैं। पीछे हमने जो अभी देखा वो तो केस स्टडी टाइप का एरिया था, उसके बाद फिर यहाँ पर गवर्नमेंट इज टेकिंग नंबर ऑफ स्टेप्स टू इम्प्रूव फिशरीज या फिशिंग सेक्टर ऑफ आवर कंट्री, जैसे कि नए फिशिंग मेथड्स दे के आ रही है गवर्नमेंट, दूसरे ममालिक से कॉन्ट्रैक्ट्स कर दिए कि वो आए ट्रेनिंग दे या वो अपनी शिप्स लेके आए, या फिर वो आके हमारे जो ऐसा सी का एरिया जहाँ फिशिंग नहीं कर पा रहे हम तरीके से, वो आके फिशिंग करे और वो अपना आउटपुट लेके जाए, बस गवर्नमेंट को पैसे दे दे उसको, ठीक है। गवर्नमेंट चार्ज करेगी क्योंकि हमारे मुल्क की वो है ना वाटर्स में, लेकिन उससे नुकसान भी है, जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर वो ओवर फिशिंग कर लें तो उनको गवर्नमेंट कोई ना कोई वो कैप सेट करेगी कि आप इतनी फिश कर सकते हैं और इन इन मंथ्स में कर सकते हैं, इसके अलावा अलाउड नहीं है। तो गवर्नमेंट भी चाहेगी ना सस्टेनेबल फिशिंग हो, तो उसकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना करें ऐसा, क्योंकि अगर बिल्कुल आप किसी और को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हो और खुद भी उन वाटर से फिश नहीं कर पा रहे हो तो आपकी फिश जो है समझ लो बुढ़ी हो रही है समंदर के अंदर ही अंदर, तो आप वो कैच कर सकते थे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप वो कैच कर सकते थे और मॉडर्न मेथड से, तो आप एक ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर क्या फिशिंग कर रहे हो करंटली नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास वो मेथड्स नहीं है। आवाम बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे जितने मेथड्स या टेक्निक्स हैं वो उतनी उस पेस पे इंप्रूव नहीं हो रही, तो वो फिश का कैच वैसे नहीं आ पा रहा क्योंकि हमारे जो लोकल फिशरमैन है वो तो 5 किलोमीटर 6-8 किलोमीटर तक आगे जाके कर रहे हैं, उनकी तो ट्रेडिशनल बोट्स है, उसमें फ्यूल इतना नहीं होता, वो बहुत ज्यादा डीप चले जाए आगे, समझ रहे बात को। तो इट हैज टू बी थोड़ी मॉडर्न हमारे पास होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है, न्यू फिशिंग मेथड्स इंट्रोड्यूस करके और ट्रेन करके लोगों को, इसके अलावा वैल्यू एडेड बढ़ा सकती है। वैल्यू एडेड किसे कहते हैं, कि गवर्नमेंट के पास जो फिश आ रही है, सॉरी लोग जो हमारे फिशरमैन है वो जो फिशिंग करके फिश आउटपुट निकल रहा है, उस फिश आउटपुट के ऊपर वैल्यू एड करे, मतलब उसके अंदर कोई ऐसे प्रोसेसेस करे कि और महंगे दाम में बिक सके फिश। मिसाल के तौर पर हमारी लकड़ी, हम दरख काटते हैं, दरख काट के लकड़ी मिल रही है, दरख काट के दरख का तना मिल रहा है, अब दरख का तना एज इट इज बेचो तो आपको पैसा कम मिलेगा, उस दरख के तने के छाल हटाओ और वो छाल से जो बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो वहां बेचो, उसके वेस्टेजेस छोटे छोटे पीसेस हटाओ वो बेचो, जो फॉर एग्जाम्पल तंदूर की रोटी वाले वो यूज करते हैं अपनी भट्टियों में उनको बेचो, जो दरख का कोर पीस है वो फर्नीचर वालों को अलग से सेल करो, ठीक है, और उसके अंदर कोई मटेरियल या कोई केमिकल या लिक्विड निकलता है दरख के दरमियान से अगर कोई, तो वो जिस इंडस्ट्री में जानी चाहिए वहां बेचो, चाहे पॉलिश बनाने वाली इंडस्ट्रीज या कोई भी इस तरह की लेकर वगैरह बनाने की, तो वहाँ गोंद वगैरह बनाने की इंडस्ट्री वहां सेल करो। अब तो ये आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे दरख काट के बिल्कुल नहीं बेच रहे, दरख काट के डायरेक्ट बेचोगे तो पैसा कम मिलेगा, अगर उसको प्रोसेस करके सेल करोगे, दरख को प्रोसेस करके सेल करोगे मतलब छाल हटाई बीच की लकड़ी फर्नीचर वाले को बेची, छाल किसी और को बेची, छोटे मोटे लकड़ी के पीसेस है वो तंदूर की रोटी वाले को बेचे, सबको अलग अलग बेचोगे तो प्रॉफिट ज्यादा है ना, झंझट भी ज्यादा है, झंझट ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है। वो जो झंझट आप पाल रहे हो क्या है, दैट इज वैल्यू एडेड, कि आप जो दरख काट के लेके आए हो उसके अंदर आपने वैल्यू एड की और सेल किया तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, समझ आ रही बात। इसी तरह से अगर फिशिंग के अंदर एक बोट आई फिश की, उसने एज इट इज ऑक्शन कर दिया, जिसको ऑक्शन कर दिया बाहर का कस्टमर था उसको मिल गई वो फिर ले गया शिप में भर के वो फिश, तो उसके इतने अच्छे दाम नहीं मिलेंगे, ज्यादा अच्छे किसके दाम मिलेंगे कि वो फिश आई उसको साफ वाफ किया, उसके स्लाइसेस बनाए, उसको पैकेज्ड फिश फ्रोजन फिश बना के हाइजेनिक पैकेज्ड कैन या तो कैंस में डाला कैंड बनाई, या फिर उसको वही थैलियों की रैपिंग की जो भी की, फ्रोजन फिश के पीसेस बना के फिले कहलाते हैं, फिश फिले कहलाते हैं, वो बना के सेल किए, तो वो आपने ज्यादा झंझट पाली, ज्यादा वैल्यू एड की तो आपको ज्यादा प्राइस भी मिलेंगे उसके सामने। आती है इसकी मैं मिसाल दिखाता हूँ, फिश फिले इसकी ये होते हैं फ्रोजन फिश फिले देख रहे हो, तो इस तरह से ये जो है ना फिश के फिले, फिले मतलब पल्ले समझ दो स्ट्रेट, तो
ये अगर आप प्रोसेस करके यहां तक पहुंचा और सेल करो तो बहुत ज्यादा फायदा, बहुत प्रॉफिट। लेकिन अब वो देखा जाता है कि आपके मुल्क में इतनी एक्सपर्टीज है कि नहीं है इसके काम करने की, उतने हाइजेनिक लेवल पे, और वैसी मार्केट है कि नहीं अवेलेबल, और नहीं है तो गवर्नमेंट ऐड करे, गवर्नमेंट इस तरह की फैसिलिटी, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज क्रिएट करे कि फ्रोजन फिश की हद तक हम अपनी फिश को ले जाएं और सेल करें। सही, तो गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स हैं वो इस तरफ डायरेक्टेड है कि गवर्नमेंट्स इस तरफ एफर्ट्स लगा रही है कि इस तरह के हमारी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज क्रिएट हो ताकि हमें अच्छी वैल्यू मिले हमारी फिश की। गाइडेंस एंड वेदर इंफॉर्मेशन, फिर गवर्नमेंट जो है वो एफर्ट्स लगा रही है कि हम अपने जो फिशरमैन है उनको वेदर के हिसाब से मौसम का सही से गाइडेंस दे सके ताकि वो उनके लिए कोई हैजर्डस ना हो जाए या किसी ऐसे मौसम में ना निकले जिसमें ऐसा चांसेस ही नहीं कि फिश आया आते हैं कि फिश जो है ना वो उस वक्त कोस्ट की तरफ ही ना हो, समझी? या अगर किसी कोई ऐसा मौसम है जिसमें वो समंदर के अंदर टाइड्स बहुत हाई है तो फिर उसमें कौन से टाइप की फिशिंग होगी, उसमें नेट फिशिंग होगी या रॉड फिशिंग होगी? जब टाइड्स हाई होती है तो वो बहुत ज्यादा ना समंदर के अंदर डिस्टर्बेंसेज होती है, समंदर में जब डिस्टर्बेंसेज ज्यादा होती है ना तब नेट फिशिंग बहुत अच्छी होती है, रिस्की भी होता है वो नेट फिशिंग, इसलिए क्योंकि समंदर आनी भी ना तो नीचे का श्रिम्प ऊपर आ चुका होता है, उसमें श्रिम्प्स बहुत आप पकड़ पाते हो। सही, अच्छा, इसी तरह मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किया किस लिए, ताकि वो डीप सी फिशिंग वेसल्स को मॉनिटर कर सके और क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज बना सके, मतलब ये सारी रिसर्च वर्क है। आपने ऐसा मरीन फिशिंग डिपार्टमेंट क्रिएट किया, मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट, जो आपकी क्वालिटीज देखते, क्वालिटी कंट्रोल देखते कि किस साइज की, किस नौयत की फिश पकड़ी जा रही है, इसके अलावा जो फिश पकड़ी जा रही है उसमें कोई वो कोई पॉइजनस वाटर के करीब तो नहीं, अगर वाटर में कुछ इस तरह का तो उस मरीन एरिया को किस तरह से रिहैबिलिटेट करना, मतलब दोबारा से उसको फिश के लिए सही करना है। क्यों क्यों खराब होता है समंदर? वेस्टेजेस की वजह से, ऑयल की वजह से, शिपों से ऑयल स्पिल हो रहा है, शिपों से वेस्टेजेस निकल रहे हैं, इंडस्ट्रीज के वेस्टेजेस जो है वो समंदर में स्पिल किए जा रहे हैं, तो फिश को नुकसान है ना उससे, और वो फिश जो कि नुकसान दे है वो अनहाइजेनिक हो गई है, पॉइजनस हो गई है, उसको खा के बीमारियां होंगी तो उसकी मार्केट भी खराब होगी, तो एक्सपोर्ट में अगर ऐसी कोई फिश एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाए तो उस कंट्री, वो कंट्री आपको बैन कर देगी क्योंकि तो फिश अच्छी नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट की एफर्ट्स इस तरफ डायरेक्टेड है। सही, फिश मार्केटिंग के अंदर ये पूरा बताया कि हमारे मुल्क की आवाम पर कैपिटा जो है वो 1.6 केजी पर एनम खाती है, हर बंदा तकरीबन 1.5 केजी फिश खाता है। अब उसमें वो लोग भी शामिल है जो 5 केजी खाते हैं और वो लोग भी शामिल है जो बिल्कुल भी नहीं खाते। एवरेज आउट किया ना कि टोटल फिश आपके मुल्क में जितनी लोकली कंज्यूम की जाती है वो पर रखो, उसको डिवाइड करो 22 करोड़ से। ठीक है, निकालने का तरीका बहुत आसान है। अगर मैं ये कह रहा 1.6 केजी पर पर्सन, और पर्सन कितने, 22 करोड़ है, तो मतलब 22 करोड़ का ये हो गया 220 मिलियन, इतने लोग, तो इतने केजी फिश आप पकड़ते हो, कितने केजी, तकरीबन 350 मिलियन केजी अगर आप फिश पकड़ते हो, या 350,000 टन, 1,000 टन, 1,000 केजी का एक टन होता है, या तो 350,000 टन बोलो या 350 मिलियन केजी बोलो, इतनी पकड़ते हो और आपकी अवाम में डिवाइड हो जाती है वो आपकी 22 करोड़ की अवाम में, तो 1.6 केजी पर पर्सन बनता है। अब इसमें सब एवरेज आउट हो गया ना, जबकि यूरोपियंस में देखें तो पर कैपिटा जो फिश कंजम्पशन हो कितने 20 केजी पर है ना, पूरे साल में पर पर्सन तकरीबन 20 केजी फिश खा लेता हूँ, तो इसका मतलब बहुत खाई जाती है। कह रहे हैं पाकिस्तान का अबाउट 30% ऑफ द टोटल फिश कैच इज एक्सपोर्टेड टू 30 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जापान इज द मेन मार्केट फॉर फिश एंड श्रिम्प्स, यूएसए, यूके एंड फ्रांस आर अदर मार्केट्स, यूके में भी जाते हैं, फ्रांस में भी जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, देखो मार्केट्स हैं वो, ऐसा नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्टिल देयर इज लाइक देयर इज मोर रूम टू गो ऑन, आप और ज्यादा कर सकते हो कि जो भी आपके अनहाइजेनिक प्रोसेसेस बैंड है अगर वो भी हाइजेनिक हो जाए तो आप और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी कर सकते हो। मैंने पहले कहा था ना कि जरूरी नहीं है पूरे तौर पर बैन हो, वो मतलब अनहाइजीन की वजह से जो फिशरीज हमारी बैन होगी तो वहां भी अगर स्टैंडर्ड मीट हो जाए तो वो भी सेल कर सकते। एक्सपेक्टेड सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग फिश फार्मिंग, अच्छा फिश फार्मिंग किसे कहते हैं, अपनी खुश अपनी फिशेज के खुद फार्म बना के बाकायदा फिश फार्मिंग करना, उसे फिश लाइक मतलब अपने पॉन्ड्स बनाना छोटे छोटे, तो वहां पर फिश फार्मिंग होती है। ड्यूरिंग रीसेंट ईयर्स इट हैज बीन रियलाइज्ड दैट फिश फार्मिंग हैज अ ग्रेटर स्कोप फॉर पीपल एंड इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, रिसेंट ईयर्स में रियलाइज किया गया कि पाकिस्तान के अंदर फिश फार्मिंग का बड़ा स्कोप है, कितने लोगों को जॉब मिलेगी,
फिश प्रोडक्शन में भी इजाफा होगा, और फिर ओनली आपकी मरीन फिशिंग के ऊपर ही आप रिलाई नहीं करोगे बल्कि अपने खुद के फिशरी फार्म बनाए हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने समंदर और दरिया के पानी में ओवर फिशिंग कर दी, बल्कि आपने खुद अपने ब्रीडिंग ग्राउंड बनाए हुए जहाँ फिश ब्रीड करते हो आप। सही, हर चीज की पोल्ट्री फार्मिंग भी होती है, लाइव स्टॉक कैटल फार्मिंग भी होती है, हर चीज की होती है ना। आप ऐसा एनवायरमेंट देते हो जिसमें कैटल्स बड़े हो ज्यादा मीट वाले, तो ऐसा एनवायरमेंट अगर आप दे रहे हो जिसमें फिश बड़ी हो ज्यादा मीट वाली, तो फार्म फिश है। जितने भी फार्म्ड होते हैं ना एनिमल्स, उनकी वाइल्ड एनिमल्स जितनी जान नहीं होती, क्योंकि अपने फार्मिंग के अंदर ऐसे फीड्स खिलाए, ऐसे ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल किया कि उनका साइज जल्दी बढ़ा जाता है। जैसे हमारी पोल्ट्री फार्मिंग होती है, तो चिकन इज नॉट सो, वो चिकन बेचारी चिकन ही है, उसकी आवाज भी नहीं निकलती पूरी, वरना मुर्गे और मुर्गियों की आवाजें बहुत स्ट्रांग होती है। तो क्योंकि तो फार्मिंग वाली फिश भी कोई बहुत ज्यादा जानदार नहीं होती, बट दैट इज फिश, सो पीपल ईट इट। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, जब भी आप कोई इंडस्ट्री खोलोगे तो एम्प्लॉयमेंट लोगों की बढ़ेगी, जॉब्स मिलेंगी, आपके मुल्क की सरप्लस एक्सपोर्ट होगा तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। सही है, इसी तरह आपके मुल्क के अंदर बाय प्रोडक्ट्स बढ़ेंगी, क्योंकि फिशरी का जो वेस्टेज है वो फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है, जमीन में इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर्स, और इसके अलावा फीड में इस्तेमाल होता है। फीड किसको खिलाते हैं, पोल्ट्री को या फिर आपके कैटल्स को, जो भी लाइफ स्टॉक आपका बकरी गाय भैंस वो ये सारा लाइफ स्टॉक, तो उनके फीड में काम आती है, तो वो भी जल्दी बड़े होते हैं। फिर तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो सारा डेवलप होता है अगर आपकी फिशरीज डेवलप होंगी, क्योंकि फिशरीज के बाय प्रोडक्ट्स या फिशरीज के जो वेस्टेजेस है वो इस्तेमाल होते हैं आपके किसके लिए, फीड बनाने और फर्टिलाइजर्स बनाने, तो वो भी तो इम्प्रूव ही होंगे ना। लेकिन नुकसान भी है आपके इकोसिस्टम पे, नुकसान भी है फिश फार्म्स के। आप अपने आपका वाटर टेबल डाउन हो जाएगा, आपका रिवर वाटर डाउन, क्योंकि आप कितना सारा पानी फिश फार्म्स के अंदर यूज कर रहे हो, और फिर जितनी बड़ी बड़ी जमीनों में पानी यूज होगा तो वहां से पानी जहां जहां स्पिल होगा और एवापरेशन ज्यादा होगी, जितने वाइड एरिया पे पानी होगा उतनी ज्यादा एवापरेशन, जितनी ज्यादा एवापरेशन उतनी नमकियात जमीन में रहेंगी, जितनी नमकियात जमीन में रहेंगी उतनी जगह पर आपकी वेजिटेशन नहीं हो सकती, काश्तकारी नहीं हो सकती, तो उन जगहों को रीप्रोसेस करो। फिर एक तरफ आपको फायदा है कि भाई फर्टिलाइजर्स बनते हैं किसी जगह को हमवार करने के लिए, फिश के हमारे पास हमारे फिश के बाय प्रोडक्ट्स और फर्टिलाइजर्स काम आते हैं, लेकिन किसी जगह को हमवार करने के लिए वो काम तो आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पॉन्ड्स अगर बहुत सारे आपके फिश फार्म्स बन जाएं, हर जगह ही फिश फार्म्स हो, तो फिर एवापरेशन भी बहुत होगी। जब एवापरेशन ज्यादा वाइड कर दिया ना आपने, रिवर में तो नैरो चैनल से पानी गुजर रहा है, तो ऊपर ऊपर का पानी वाइड वो सिर्फ एवापरेट कर रहा है, आपने ज्यादा वाइड जगह पर पानी फैला दिया अगर, तो ज्यादा एवापरेशन होगी। इतने से एरिया से भी उतनी धूप की किरणें पड़नी है, ज्यादा एरिया पे जाएंगे तो धूप की किरणें फैलेंगी, ज्यादा एवापरेशन होगी, ज्यादा एवापरेशन होगी तो ज्यादा मिनरल्स रह जाएंगे और वाटर टेबल कम हो जाएगा, क्योंकि आपका वाटर टेबल एक तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दूसरे पॉन्ड्स में चला गया, और वाइड एरिया में वाटर पड़ा है, तो इसका मतलब एवापोरेशन ज्यादा होगी, एवापोरेशन ज्यादा होने की वजह से आपके पूरे मुल्क का वाटर टेबल डाउन हो जाता है। आई बात, तो इकोसिस्टम में फर्क आएगा। इकोसिस्टम मतलब आपका पूरा जो एनवायरमेंट है उसके अंदर पूरा एक आपके जो क्लाइमेट का वेदर का जो एनवायरमेंट है उसमें पूरा बैलेंस शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, फिर ऐसे एरियाज जो कि आपके कोस्टल वेटलैंड्स है, कोस्टल वेटलैंड्स मतलब वो जो फॉर एग्जांपल जहाँ पर डेल्टा बनता है रिवर वाटर और क्या कहते हैं समंदर का पानी जहाँ पर मिलता है आपस में जो डेल्टा कहलाता है, तो वहां पर वेटलैंड्स भी क्रिएट होता है। कैसी जमीन है जहाँ पर छोटी छोटी जगहों पर पानी हो, उन पानी वो जो पॉन्ड्स बन जाते हैं वहां पर आपने फिशिंग वगैरह कर ली, ठीक है, वहाँ फिश फार्मिंग कर ली, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं ऐसा करना शुरू कर दिया कि उन वेटलैंड्स भाई वो जब फिश आप फार्मिंग करना शुरू हो गए तो वो एरियाज जो वेटलैंड्स हैं वो एक्चुअली फिश की नशोनुमा के लिए, वहां ज्यादा आपने फार्मिंग कर ली ना तो जहां से फिश के मेन ब्रीडिंग ग्राउंड थे वो मेन ब्रीडिंग ग्राउंड में आपने ओवर फिशिंग कर ली तो फिशों की नस्लें खत्म हो जाएंगी। आप वहां से फिश ले जाके अपने इलाकों के फार्म्स के अंदर डाल के फार्मिंग कर रहे हो वो एक अलग चीज है। आप मेन एरियाज जहाँ फिश नेचुरली ब्रीड होती है वहां आपने जो अपने फार्म्स बना लिए कि बस वो जहाँ नेचुरली ब्रीड हो रही है उसी को निकाल लो, तो वहां आपके चांसेस ज्यादा क्या, जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ फिश है वो भी आप कम कर रहे हो कहीं से। सही है, और फिर कहीं भी इंडस्ट्रीज ओपन होती है ना तो वहां पर डिफॉरेस्टेशन का चक्कर तो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो ऐसे एरियाज पे जहां पर वेटलैंड है या जो इंडस एरिया डेल्टा के एरियाज है वहां पर अगर आपने इंडस्ट्रीज बनाई और वहां से अगर आपको वो फॉरेस्टेशन खत्म करनी पड़ी तो वहां तो मैंग्रोव्स टाइप की फॉरेस्टेशन है, और मैंग्रोव्स तो उनके लिए फिश के लिए मैंग्रोव्स और कोरल्स फिश के लिए खुराक है, उनके पत्ते गिरते हैं फिर फिश खाती है, समझ आ रही है, तो खुराक खत्म हो जाएगी फिशों की वहां की डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो आपका इकोसिस्टम में शिफ्ट आएगा। इसके अलावा केमिकल पोल्यूशन भी आ जाता है, क्या फिश के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे केमिकल्स भी बनाते हो,
लेकिन फिर बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं तो बहुत सारी वेस्टेजेस भी होते हैं भाई। वो वेस्टेजेस अगर उन्हीं एरियाज पे हो जाती है जहाँ पर फिश फार्मिंग की, जहाँ पर फिश की नशोनुमा हो रही है, वो एरियाज वेस्टेज होना शुरू, वहाँ वेस्ट, क्योंकि फिश प्रोडक्शन से आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बूस्ट हो रही है, लेकिन उन इंडस्ट्रीज का वेस्टेज अगर आके उन्हीं जगहों पर डंप हो रहा है तो नुकसान क्या है, पोल्यूट हो जाएगा वो एरिया और फिश की ब्रीडिंग खराब हो जाएगी, पॉइजनस हो जाएगी और फिश मरना भी शुरू हो जाएगी। बल्कि वहाँ तो वहाँ के मैंग्रोव्स भी जो है ना उन उन वेस्टेजेस की वजह से जो वो खराब होना शुरू हो जाएंगे और वो मैंग्रोव ट्रीज खत्म होना शुरू हो जाएंगे वहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर अगर ये जो एक्वा कल्चर है मतलब फिश फार्मिंग, इसमें प्रॉपर रिसाइकलिंग किया जाए वेस्टेज को, जो 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 इंडस्ट्री जहाँ खुलनी चाहिए वहाँ खुले, उसके वेस्टेजेस डेल्टास तक ना पहुंचे और जितनी फार्मिंग करनी है उतनी करे, और मेन ब्रीडिंग ग्राउंड जो है जो कि डेल्टा और वो वाले एरिया जहाँ पर फिश उगती है दरअसल, वहां पर अगर आप ओवर फिशिंग ना करें तो ये फिर एक सस्टेनेबल फिशिंग कहलाएगी, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। वरना आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आप वाटर पॉल्यूशन कर रहे हो, आप ओवर फिशिंग कर रहे हो, आप मैंग्रोव्स को नुकसान पहुंचा रहे हो, लिखा हुआ आ रहा है देखो, आप मैंग्रोव्स को नुकसान पहुंचा रहे हो, फिर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है सारी चीजों को सस्टेनेबली, सस्टेनेबल प्रोडक्शन महंगी पड़ती है, साफ सुथरी सस्टेनेबल एक महदूद क्वांटिटी में प्रोडक्शन महंगी पड़ती है। आप कहते हो ना यार एक चक्कर ले रहा हूं मैं, अब अपनी शिप लेके आया तो ज्यादा मुनाफा कमाऊं, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में चार दफा आपने नेट डाल दिया और चार दफा फिश उठा ली, तो एक चक्कर में आप बहुत सारी, एक दफा के पेट्रोल में बहुत सारी फिश लेगा, और ऐसे हर हर फिशरमैन करना शुरू हो जाए तो कितनी सारी ओवर फिशिंग हो जाएगी भाई। तो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर प्रॉपर नहीं है कि जिसमें आप जो है ना मतलब लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो आप कहीं ऐसे इकदाम ले लेते हो कि जो सस्टेनेबल नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो हम तो फिश बेच के ही कमाते हैं ना, अगर प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपर इंडस्ट्रीज होती तो आप कहते हैं महदूद फिश भी लेके हम जाते हैं, फिर इसमें वैल्यू एड करते हैं और इसको फ्रोजन करके हाई प्राइस पे सेल करते, तब आप बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए पैसा बहुत चाहिए। सस्टेनेबल फिशरीज का फिर आप जब पॉइंट देखोगे, मैंने सारी बातें कवर कर दी है पीछे जो सब है, ये आखिरी आपका पेज है ठीक है। तो आपका जो है ना आपके फिशरी सेक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह यही है कि आप ओवर फिशिंग कर जाते हो, बेबी फिश को कैच कर लेते हो कि जिसको बड़े होके और मजीद अंडे देना, आपने तो छोटे फिश ही पकड़ ली, और इलीगल नेट्स का इस्तेमाल करते हो, ऐसे नेट्स के जिसमें फॉर एग्जाम्पल किसी वाटर्स के अंदर अलाउड नहीं है कि बहुत पतले नेट्स, कि कहीं ऐसी ऐसी छोटी बेबी फिश ना आ जाए अंदर, आप कम से कम इतने चौड़े नेट्स रखो कि बेबी फिश उसमें ना आए, आपने पता चला और नैरो नेट्स रख दिए कि बेबी फिश भी आ गई उसमें, तो इलीगल नेट्स का यूज, तो ये सारी वजूहत है हमारे डिस्ट्रक्शन हो रही है जितने भी फिशरी सेक्टर के, और फिर इसके अलावा किसी किस्म के पोल्यूशन की वजह से मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सो यू आर गोना रीड द होल चैप्टर, और इसके अलावा यहाँ पर आपको वो देगा कि एडवांटेजेस क्या है अगर आपने सस्टेनेबल फिशिंग की, आपकी फिशिंग इंडस्ट्री सस्टेनेबल हुई तो उसकी एडवांटेजेस यहाँ पर आपको लिखे ए बी सी डी ई एफ तक, सारे पॉइंट्स हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं ठीक है। सो यू विल रीड द चैप्टर, द चैप्टर एंड्स अल्हम्दुलिल्लाह ओवर हियर। गर्ल्स आपकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए, और पहले तो बॉयज आपकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए। इस चैप्टर के अंदर ये छोटा चैप्टर था बट इट वॉज सिंपल चैप्टर, सही है। तो मुझे बताइए जरा, कहाँ नींद में आ गए थे क्या आप ऐसा, और गर्ल्स उस तरफ, क्योंकि मैं ही बोल रहा था आज के चैप्टर में सवालात नहीं पूछे मैंने, तो आप कोप अप कर रही थी कि नहीं, मुझे थोड़ा समझाएं या क्या रिस्पॉन्स है, कुछ समझ में आया इस चैप्टर में, कुछ मेन मेन पॉइंट्स अगर मैं पूछूं तो क्या समझ में आया, फिश हमारे मुल्क के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों की जॉब्स निकलती है, और मैं अगर देखना चाहूँ ना पाकिस्तान फिशिंग सेक्टर GDP ये लिखता हूँ गूगल पे, तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का फिशिंग सेक्टर GDP में कितना जो है, अबाउट 1% हमारी GDP के अंदर फिश इंडस्ट्री हमारी कंट्रीब्यूट करती है, विच इज गुड, 1% कम नहीं है। अबे भाई बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसमें से एक फूड सेक्टर है, उस फूड सेक्टर में से एक सेक्टर फिश है, बहुत सारे सेक्टर्स में से फूड सेक्टर में वेजिटेबल फ्रूट्स और जो भी हमारे क्रॉप्स के सब सारे सेक्टर, उसके अलावा हमारे लाइफ स्टॉक और क्या क्या, उसमें फिश एक चीज है, उस फिश का अगर 1% फिश 1% है तो इट्स टू मच। अगर हमारी मिसाल के तौर पर $250 बिलियन की इकॉनमी है और 1% तो $25 बिलियन आपका फिशिंग सेक्टर आपको कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, विच इज टू मच, इट्स टू मच, हमारी बात, सो इट्स नॉट, बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसकी सस्टेनेबिलिटी और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान कोस्टल कंट्री है, पाकिस्तान की कोस्ट इतनी बड़ी है, पाकिस्तान ये रिवर इंडस गुजर रहा है, लेक्स वगैरह और ये सब तो है ही ठीक है। सो ओके, क्लास एंड्स ओवर हियर, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर खत्म हो गया, हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया।